तो ये है सी पोर्ट का एक एरिया जहाँ पे काम बंद हो गया है। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी लगेगी उधर अंदर कहीं लगेगी, तो मैं बाहर कॉर्नर पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ काम तो है नहीं। तो ठीक है, ये आपका व्यू रहेगा। तो उधर काम है, उधर आपको मशीना देख रहे होंगे। तो उधर है ये मझगांव डॉक है, तो उधर मझगांव डॉक गवर्नमेंट का है, तो उधर कुछ अपना काम नहीं है कस्टम्स का। ठीक है, जो भी उनका मशीन्स वगैरह होता है वो अपन पास आउट पास इन कर देते हैं। ये एक टाइम पे देखो जहाज़ लगते थे यहाँ पे वेसल, तो इसलिए ये बना रखा है। बाकी यहाँ से ये मोस्टली था, यहाँ पे फेरीज मिलती थी, मतलब कुल मिला के यहाँ जो किराए पे ये एक एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या था, यहाँ पे जब जहाज़ लगते थे तो यहाँ से कुछ बोट्स वगैरह या फिर कुछ सामान जाना है तो उसलिए मेनली काम आता थे। तो जो आपको देख रहे होंगे समुद्र में फिलहाल जो देख रहे हैं, कुछ तो छोटे शिप्स हैं, इधर हैं शिप्स, इधर तो बोट्स हैं, इधर शिप्स हैं। तो इधर देख सकते हो आप, तो इधर ये क्या है, डिवीज़न कहलाता है। यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या करता है, बोर्डिंग करता है। बोर्डिंग इन द सेंस आपको वैसल चेक करने हैं कि कुछ लीगल तो नहीं है इनमें। तो ये जो एरिया है इधर वाला, ये अलग अलग डिवीज़न के अंदर आता है। कई डिवीज़न एनकरेज फॉरेन वाले चेक करते हैं, कई डोमेस्टिक वेसल्स को चेक करते हैं। बाकी उधर जाएंगे अपन तो उधर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बोट एरिया है, यहाँ पे कुछ बोट्स लगती हैं वैसे प्राइवेट से, यहाँ सारी है MBPT के अंडर आती हैं। MBPT इनको देता है पट्टा समुद्र में जाने आने का, तो अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये MBPT का ही पोर्ट है। ठीक है, तो MBPT क्या है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का पट्टा एक तरीके से। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रिपेयर करता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं प्रोवाइड करता है। अपने को सिर्फ ड्यूटी स्मगलिंग इसके लिए रखा गया कस्टम्स के लिए। बाकी उधर चल रहे हैं अपन, तो आपको आइसलैंड दिख रहा होगा सामने, छोटा सा टापू है ये, मोस्टली वैसे उधर देख रहे हैं। बाकी यहाँ देख सकते हो वैसल देख रहे हैं आपको दूर दूर तक। तो उन वैसल इसलिए रुके हैं कि कई लोग डोमेस्टिक वैसल हैं जो सिर्फ गोवा से मुंबई चेन्नई अपने इंडिया में अंदर ही ट्रेवल करते हैं। दूसरे जो हैं वो हैं फॉरेन है, जैसे बड़ा वाला ये दिख रहा है सामने आ रहा है, तो ये मे बी इधर आके रुक जाएगा या फिर ये जा रहा होगा तो घूम के जल निकल जाएगा। तो यहाँ पे डिवीज़न वाइज हैं, काफ़ी डिवीज़न हैं, इनका डिटेल्स तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन डिवीज़न हैं जिनमें बोर्डिंग करनी होती है। ये प्रिवेंट ऑफिसर की एक पोस्टिंग है। बाकी ये यहाँ पे जो फेरीज लगी हुई हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये वैसल वहाँ से जो आ रहा था वो यहाँ आके रुका है फेरीज पे। ठीक है, ये अपने एक देखा था छोटी सी क्लिप, वीडियो आगे क्यों नहीं दे पाया मैं आप लोगों के लिए, ये है कि वहाँ पे MBPT के ऑफिसर थे, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड की पोर्ट एरिया की वीडियो और शूटिंग या फिर जो भी है वो अलाउ नहीं है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था वहाँ तक, वहाँ से वो जो व्यू था वो पब्लिकली भी आ सकता था, तो ऐसा कुछ अपन ऑफेंड नहीं किया, कुछ गलत चीज़ें। लेकिन वो अंदर में जा रहा था, मतलब जहाँ वैसल खड़े थे, बाकी अंदर अगर मैं जाता तो वो अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे दो डिपार्टमेंट के बीच में अगर कॉन्ट्रास्ट हो, आपस में झगड़ा हो, तो वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप पावर की बात करेंगे तो पावर तो भाईचारे में काम चलते हैं सारी तरह से, ऐसे तो हर जगह CISF है, आपको जहाँ भी दो तीन फोर्सेज या डिपार्टमेंट साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कॉन्ट्रास्ट या फिर थोड़ा बहुत कहाँ सुनी हो जाएगी तो वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है अपने लिए। बाकी यहाँ पे एक एयरपोर्ट था ओपन एरिया, या इस जगह का जो जगह का नाम मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इस जगह का सबसे ख़राब बैठने का हालात है। ऐसे चार पांच हैं मुंबई डॉक्स में, तो वो एकदम ख़राब है, आपको लगेगा कि कहाँ आ गया मैं। ठीक है, तो ऐसा है, बाकी आप लोग कहेंगे सिविल में बैठ सकते हैं, तो हाँ यहाँ पे कुछ काम नहीं है, पोलिटिकल डीलिंग नहीं है, लोगों को पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जिसको यूनिफॉर्म पहनी है तो वो यूनिफॉर्म बैठ सकता है, मैं यहाँ पे आराम से सिविल में बैठा हूँ। और ठीक है, ये डे शिफ्ट चल रही है तो मैं घूम के आया तो थोड़ा, बाकी यहाँ पे लेट सकते हो आप, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो नाइट में, ऐसा इसलिए लगा हुआ है बेड थोड़ा। बाकी और चीज़ यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पानी वानी आपको खुद से लाना होगा, मोस्टली वाटर कूलर भी नहीं होते, जो ख़राब से ख़राब हैं दो तीन जगह, वहाँ पानी भी नहीं होगा आपके लिए, तो हर किसी को मिलेगा, किसी की किस्मत ज़्यादा ख़राब होगी दोस्त को मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा प्रिवेंटिव ऑफिसर का व्यू सारे एंगल कवर कर दिए हैं, फिर भी किसी को डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, और अगर कुछ ऐसा वैसा लॉजिकल क्वेश्चन हो तो DM कर देना पर्सनल, कमेंट में मुझसे मत मचाया करो भाई, समझा करो, पढ़े लिखे इंसान हो तो थोड़ा भाई की भी इज्जत रख लो। ठीक है, बाकी
कुछ प्रॉब्लम हो। बाकी मैंने ASO की सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो अभी भी तो कमेंट कर देना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके लिए वीडियो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ।